दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म रॉय की। रॉय के प्रचार में रणवीर कपूर को चोर और फिल्म को थ्रिलर बताया गया है, लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म की अपेक्षा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है, लेकिन फिल्म में थ्रिल की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है। इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है। फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात करने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है। कहानी है कबीर ग्रेवाल की, जो 22 लड़कियों से रोमांस कर चुका है और एक फिल्म मेकर है। मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात फिल्म मेकर आयशा आमिर से होती है। रॉय एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है। कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है। विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है। कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन स्क्रीन पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कंफ्यूज हो गए तो दर्शकों की बात ही छोड़ दीजिए। फिल्म की शुरुआत अच्छी है, जब एक मूल्यवान पेंटिंग को चुराने के लिए रॉय को कहा जाता है। उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे यह कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है। यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है। कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और उठने को ठीक से पेश नहीं किया गया है। कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। रॉय का पेंटिंग चुराने वाला प्रसंग बहुत ही सतही है। फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना बहुत मुश्किल है। विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट की बजाय शॉट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है। किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया है, लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है। फिल्म का उन्होंने जो मूड रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती। यही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना खराब है कि देखने में मजा ही नहीं आता। प्रमुख कलाकारों का अभिनय के मामले में गरीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है। अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं, एक्टिंग से नहीं। हैट और सिगरेट से उड़ते धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश की है। जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से नहीं कर पाती है, ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें सौंपना उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है। दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है। रणवीर कपूर का रोल छोटा है, जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है। विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं, शायद इसीलिए रणवीर ने यह फिल्म की है। इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है। मधुर गाने, शानदार सिनेमाटोग्राफी और अच्छे संवाद एक फिल्म को देखने के लिए काफी नहीं है। इसे मैं 5 में से 1.5 स्टार दूंगा।